नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में आम लोगों की सुविधा का ख्याल रखते हुए कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में घाटी के गांदरबल जिले में 100 बिस्तरों वाला गर्ल्स हॉस्टल बनाया जा रहा है। इस छात्रावास के निर्माण का उद्देश्य जनजातीय समुदाय से आने वाली छात्राओं को सुविधा प्रदान कराना है, जो पढ़ाई के लिए दूर दराज के इलाकों से आती हैं। इस प्रोजेक्ट से दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को लाभ होगा, जो शहरों में ठहरने का खर्च नहीं उठा सकती। आपको बता दें, ये नया छात्रावास केंद्र सरकार की राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत बनाया जा रहा है। परियोजना के अभियंता इश्फाक रथर ने इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया, ये छात्रावास 2 मंजिला होगा, जिसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने पारित किया है। छात्रावास का निर्माण 206 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। हर फ्लोर पर वॉशरूम की सुविधा होगी। इसके अलावा वार्डन के लिए अलग कमरा और चिकित्सा कक्ष भी मौजूद होगा। उन्होंने ये भी बताया कि छात्रावास का लगभग 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें इमारत का ढांचा और आकार शामिल है। The project is construction of 100 bedded girls hostel, double storied. As it's evident, it's a two-story building. It has been approved under RAMSA. The project cost is 306 lakhs. Around plinth area is 597 square meters. We have two floors in this, ground floor and a first floor. Each floor has a toilet and a bathroom facility, well facilitated equipped with tile work and other finishing works, vitrified tiles as well. We have a warden's room and medical room facility as well. The building has been completed in all respected regarding the framework structure. The building is load bearing structure. We have completed almost 80% of the work. Finishing work is in progress. Inshallah, we hope within a couple of months, March and April, we will complete the project. Muzaffar Ahmed naam ke ek sthaniya niwasi ne samachar agency ANI se baat karte hue kaha, दूर दराज के इलाकों से आने वाली छात्राएं कई किलोमीटर की दूरी तय कर अपने शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने के लिए आती हैं। सरकार की तरफ से उठाया गया ये कदम सराहनीय है। इससे सर बहुत फायदा मिलेंगे यहाँ के लोगों को, क्योंकि यहाँ से दूर से लोग आ रहा है, बस्ती है दूर दूर से, छतरगुल से है, क्योंकि ये जो बन रहा है 100 बेड वाला, तो हमारे को यहाँ से बहुत फायदा मिलेंगे इससे, क्योंकि ये स्टेप गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा उठाई। तो जो लड़कियां हैं वहाँ की, उनको बर्फबारी में आना जाना पड़ता था। हाँ, उनको बहुत दिक्कत होती है, बर्फबारी में आने पड़ता है यहाँ, इसलिए अब गवर्नमेंट ने यहाँ बनाया हॉस्टल, ये तो अच्छा काम इसने किया। तो यहाँ रह के वो अच्छे से पढ़ाई, हाँ वहाँ अच्छा पढ़ाई करेंगे सर वो यहाँ से, क्योंकि सब फैसिलिटी है इसमें, तो अब गवर्नमेंट की अच्छी ये। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि सरकार का ये कदम वाकई स्वागत योग्य है। गुज्जर और बकरवाल समुदाय से आने वाली तमाम छात्राओं को इस हॉस्टल से लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि छात्राओं को अपनी पढ़ाई के लिए घंटों की यात्रा अब नहीं करनी पड़ेगी और ना ही उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ेगी। आपको बता दें, 100 बिस्तरों वाला ये हॉस्टल छात्राओं के लिए मददगार साबित होगा और इससे गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों का विकास होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।